हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। आज हम घर पे चॉकलेट स्प्रिंकल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। चॉकलेट स्प्रिंकल से हम डेजर्ट को डेकोरेट करते हैं, जैसे कि केक या फिर कॉफी। इसके लिए हमें चाहिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इस तरीके का पैकेट आता है मार्केट में, आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हमें चाहिए फॉइल पेपर। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करके लेंगे माइक्रोवेव ओवन में। आप चाहे तो इसे डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं। इसे हम एक मिनट के लिए मेल्ट करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसे पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। हम इसे इसलिए ठंडा कर रहे हैं क्योंकि जब हम चॉकलेट स्प्रिंकल बनाते हैं शीट के ऊपर, जब हम चॉकलेट्स को स्प्रेड करेंगे तो ये फैलेगा नहीं और शेप भी बहुत ही अच्छा आएगा चॉकलेट स्प्रिंकल को। चॉकलेट हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। मैंने मेल्टेड चॉकलेट को पाइपिंग बैग में फिल किया है। अब हम आगे से थोड़ा कट करेंगे, इसके हम लाइंस बनाएंगे इस तरीके से। शीट के ऊपर मैंने चॉकलेट की लाइंस की है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं और ये रूम टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, हमारे स्प्रिंकल रेडी हो गए हैं, लेकिन मैंने कुछ बचाए हैं आपको दिखाने के लिए। ये कितने गोल हो गए हैं, सेम मार्केट जैसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये राउंड हुए हैं। अगर आपको इस तरीके से गोल मार्केट जैसे स्प्रिंकल चाहिए तो आपको क्या करना है, जो हमने मेल्टेड चॉकलेट बनाई थी उसे हल्का ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद ही आपको उसे पाइपिंग बैग में फिल करना है और बाद में ही लाइंस बनानी है। तो आपको मार्केट जैसे इस तरीके से गोल स्प्रिंकल मिलेंगे। फाइनल फ्रेंड्स, हमारे डेलीशियस चॉकलेट स्प्रिंकल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसे किसी डेजर्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोल हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।